हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सृष्टि किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग और सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो उसके लिए मैंने मूंग को रात में ही भिगो दिया था, तो मूंग को मैंने धुल लिया है। इसको मिक्सी जार में डाल के अदरक मिर्ची और थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसमें हम आधी कटोरी सूजी डालेंगे। इसके बाद फिर से हम इसको पीस लेंगे। तो इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। नमक फ्रेंड्स अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर, प्याज, मिर्ची, इसको मैंने बारीक काट लिया है, हरी धनिया, सबको मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसमें एक पाव चीनी डालेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट को मैंने मिक्स कर लिया है। अब चल रहे हैं फ्रेंड्स इसको बनाने। बनाने के लिए मैंने एक तवा गैस पे रख दिया है। तवा गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको हम चारों तरफ से फैला देंगे। इसे हमें गोल शेप में फैलाना है। इसको हम गोले शेप में फैलाएंगे। इस साइड अच्छे से पक जाए तो इसको हम उस साइड भी सेकेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसको बच्चों को टिफिन में भी दे सकती हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा और काफ़ी हेल्दी भी है। तो साइड से हम हल्का सा तेल डालेंगे और इसको हम उस साइड पलट देंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत टेस्टी नाश्ता हमारा बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है।